Cuckoo, 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 nya, la. God damn it, where'd you go? It's only been a minute and I miss you so. When I know that there ain't not a single thing इंस्पिरेशन आइडिया देखिए, बहुत बार कभी मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ या बस कुछ ना कुछ गा ही रहा होता हूँ तो कुछ आइडिया आ जाता है माइंड में, जैसे ना 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 ना। यार सैनिक स्कूल एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे यू कुड फिल्म अ म्यूजिक वीडियो, यू कुड इवन शूट अ मूवी और समथिंग। सैनिक स्कूल, थैंक यू सो मच। वो कहते हैं ना, जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। एक ऐसा ही ऊंची उड़ान का हौसला बना लिया है जम्मू के सात्विक दत्ता ने। आज हमारे साथ है सात्विक दत्ता, जो कला की दुनिया का एक उभरता सितारा है। वो कहते हैं अगर उन्हें तीन शब्दों में डिफाइन करना हो तो वो है एक राइटर, सिंगर और म्यूजिक कंपोजर। सैनिक स्कूल जम्मू के फॉर्मर स्टूडेंट सात्विक दत्ता छोटी सी उम्र में ही कई गाने लिख चुके हैं और उन्हें गा चुके हैं, और अब उनका एक नया गाना आने वाला है जो सैनिक स्कूल पर ही है। आइए सात्विक के बारे में और बातें करने से और उनसे मिलने से पहले उनके इस नए गाने की एक झलक देख ली जाए। सात्विक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे थैंक यू। पहले अपना इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए, क्या करते हैं आप? मेरा नाम सात्विक है, मेरा आर्टिस्ट नेम जो सात्विक IX है ऑफ कोर्स। सो अभी अभी मैंने 23 में 12th पास की थी, तो फिलहाल एकेडमिक वाइज तो मैं सिर्फ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और म्यूजिक वाइज आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू learn, grow and create as I go। सात्विक, जैसे आपने कहा कि आपका आर्टिस्ट नेम सात्विक IX है, जी तो कोई स्पेशल रीजन इस नाम के पीछे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट आई मेक, मुझे पता था कि ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, इट इज लाइक अ ग्लोबल जॉनरा। तो आई वॉन्टेड टू पिक अ नेम विच वुड बी इजी फॉर एवरी वन टू रिमेंबर एंड स्पेल, सो दैट्स वाई आई चोज सात्विक IX। एंड मोर स्पेसिफिकली इट वॉज एट द एज ऑफ 9 वेन आई started shifted when I started shifting my interests towards music, and at the age of 9 ही ऐसा था कि जब मैंने अपना first song at least try किया था लिखने का। बहुत अच्छे, 9 साल की उम्र में आपने अपना पहला song लिखा था और गाया था, इसलिए आपका artist name सात्विक IX। आए सो सात्विक, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। कैसे ये इंस्पिरेशन आया कि मुझे अब सॉन्ग्स लिखने हैं और गाने हैं? देखिए, दरअसल एक ऐसा इंटरेस्ट था जो अपने आप धीरे धीरे बढ़ता ही गया। इट जस्ट स्टार्टेड एज सिंगिंग सॉन्ग्स दैट वर ऑन द पॉप चार्ट्स, जस्टिन बीबर, चार्ली पुथ, टेलर स्विफ्ट, ये जो मेन स्ट्रीम पॉप आर्टिस्ट थे, इनके गाने मुझे बस बहुत अच्छे लगते थे और मैं बहुत सुनता था और दिल खोल करके गाता था। इवेंचुअली मेरे को थोड़ा पैशन मेरे अंदर से आवाज़ आया कि लेट्स राइट सम ऑफ योर ओन स्टफ टू, तो देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट सॉन्ग राइटिंग। और जब मैंने लिखने स्टार्ट कर दिए, देन आई रियलाइज कि अब जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज लर्निंग म्यूजिक प्रोडक्शन टू ब्रिंग दीज सॉन्ग्स इनटू लाइफ, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। सो राइट नाउ आई एम जस्ट मेकिंग माय ओन म्यूजिक नाउ। तो जैसे आपने कहा कि आपने खुद ही सुने, इंटरेस्ट आया और लिखना शुरू कर दिया, तो आपने कहीं से सीखा है ये या बस खुद ही? अब देखिए, एक फॉर्मली कहीं से नहीं सीखा है। आज की जनरेशन, जैसे हम कहें तो इंटरनेट जनरेशन है, तो यूट्यूब और कुछ ऑनलाइन कोर्सेज ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक यूडमी, स्किलशेयर, वहीं से मेरी जो कुछ मैंने सीखा वहीं से सीखा है। ओके, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि पढ़ाई में भी आप काफी होशियार स्टूडेंट हैं, तो बात करें अगर टाइम मैनेजमेंट की, तो कैसे आप बैलेंस करते हैं पढ़ाई भी और म्यूजिक भी? देखिए, शुरुआत में थोड़ा बहुत चैलेंजिंग जरूर था, बट ओवर द टाइम इट्स जस्ट डूइंग एंड फेलिंग एंड सीइंग व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क, दैट्स ऑल दैट helps me in this thing। Okay, सात्विक, बाकी बातें तो होती रहेंगी, पहले हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ गाकर सुनाएं। कु 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 कु
न्या 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 That was my warm up. Now let's see what song I could sing. Yeah. God damn it, where'd you go? Oh, it's only been a minute and I miss you so. When I know that there ain't not a single thing I know. But stranger's better when you wanna take it slow. Yeah, take it slow. I swear the next time you're around, I'd say hello, but baby, cause I'm new to this. I probably won't for the time I'm manning up. I'll see you around till then. Goodbye to that girl right out my window. Goodbye to that girl I never got to know. बहुत बढ़िया, बहुत खूब। सात्विक, जैसे आपने कहा कि बहुत छोटी उम्र से आपने गाने गाना स्टार्ट कर दिया था, तो कैसा सपोर्ट आपको आपके फ्रेंड्स की तरफ से देखने को मिला? देखिए, अब पता नहीं मैं शुरुआत से ही अच्छा गाता था या फिर मेरे फ्रेंड्स ही बहुत सपोर्टिव थे, बट मेरे फ्रेंड्स ने कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाया, उन्होंने हमेशा सपोर्ट ही किया है मुझे। जी, जैसे आप खुद लिखते हैं फिर गाते हैं और म्यूजिक भी खुद बनाते हैं, तो कैसे आपको कोई एक आइडिया आता है और आप फिर उस पर लिखते हैं? कैसा वो पूरा क्रिएटिव प्रोसेस रहता है? आइडिया देखिए, बहुत बार कभी मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ या बस कुछ ना कुछ गा ही रहा होता हूँ तो कुछ आइडिया आ जाता है माइंड में, जैसे ना 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 ना, तो मैं बस अपना सॉफ्टवेयर खोलता हूँ और उसमें बस लग जाता हूँ कि बस इसको ना 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 से लेकर के कुछ एडवांस स्टेजेस तक लेकर के आऊँ। अब जब वो एडवांस स्टेजेस तक जैसे आता है, वो बस पता नहीं कैसे, ये कुछ सुपर नेचुरल प्रोसेस है, बस वो अपने आप ट्रैक फिल होता रहता है, बनता रहता है, और एंड में यू गेट जस्ट बिकॉज़ आई एम माय बेस्ट डजंट मीन इट्स ओवर एंड दिस इज एक्चुअली माय सॉन्ग क्लैरिटी, जिसकी मैं भी आपको एग्जांपल दे रहा था। सात्विक, आवाज तो आपकी बहुत ही अच्छी है, जब आपने अभी जो दो लाइनें सुनाई इसने हमें यही मंत्रमुग्ध कर लिया। तो जैसे आपने कहा, मैं कहूंगी म्यूजिशियन तो आप बन ही गए हैं, तो अभी तक आपकी इस म्यूजिक लाइन की सबसे कोई मेमोरेबल मोमेंट, कोई ऐसी मेमोरी जो आपकी सबसे फेवरेट है अभी तक? मेमोरेबल मोमेंट तो ऑफ कोर्स वही था जब मेरा वो फर्स्ट सॉन्ग था, जब मैंने ट्रांजिशन की उस फेज से कि बस हाँ ये लड़का बनाता है, लिखता है, कुछ ना कुछ करता है, टू यस दिस गाय इज एन आर्टिस्ट नाउ, तो वो बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी थी मेरे लिए। बहुत अच्छा सम अप किया आपने कि एक लड़का जो बस लिखता है, गाता है और उससे लेकर आर्टिस्ट तक का सफर। सात्विक, जैसे आपने कहा आपका आर्टिस्ट नेम है सात्विक IX और इसके पीछे आपने एक ये भी कारण दिया कि 9 साल की उम्र से आपने लिखना शुरू कर दिया था। हां जी। तो वो 9 साल का एक बच्चा जो बस लिखता है, गाता है और वहां से लेकर YouTube तक का सफर कैसा रहा और कब आप YouTube पे आए? देखिए, YouTube पर मैं, मुझे जितना याद है, मैं 10-11 साल की उम्र तक आ चुका था, बट जैसे मैंने बोला मैं शुरुआत में इतना ज्यादा लिखता वगैरह नहीं था, तो तब मैंने बस में कवर्स डालता था। अगर आपको पता नहीं कवर्स क्या है, कवर्स इज जस्ट दूसरे आर्टिस्ट के गाने तुमने गाना, तो वहां से धीरे धीरे फिर मैंने जब लिखना शुरू किया, फिर प्रोडक्शन शुरू की, तो मैंने अपना फर्स्ट सॉन्ग एट द एज ऑफ 16 निकाला था 2021 में, तो तब से अब तक नाउ देयर इज नो स्टॉपिंग, आई एम जस्ट क्रिएटिंग एंड पोस्टिंग इट ऑनलाइन। सात्विक, अपने फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर कोई प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहोगे? फ्यूचर प्रोजेक्ट में यही बताऊंगा कि मेरा एक सॉन्ग आ रहा है, इट्स कॉल्ड अ लिटिल मोर, 18 फरवरी 2024 को, एंड मैं सैनिक स्कूल में पढ़ता था। बिल्कुल, देखिए मैं एक सैनिक स्कूल का स्टूडेंट था, तो ये जब मैं हमेशा सैनिक स्कूल में जब भी था, मुझे लगता था कि यार सैनिक स्कूल एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे यू कुड फिल्म अ म्यूजिक वीडियो, यू कुड इवन शूट अ मूवी और समथिंग। तो और जब मैं अपने लास्ट के दिनों में आया सैनिक स्कूल के दिनों में, जब मेरी 12th खत्म होने वाली थी, मुझे एक अंदर से एक ऐसी फीलिंग आई कि आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे राइट हियर जस्ट अ लिटिल मोर, तो बस इसी सॉन्ग के ऊपर एक मैंने गाना बना दिया और देयर इज इवन अ म्यूजिक वीडियो, बट क्योंकि मैं म्यूजिशियन हूँ, नॉट मच ऑफ अ सिनेमाटोग्राफर और वीडियोग्राफर, तो म्यूजिक वीडियो जो है बस मेरे फोन पर ही शूट हुआ है और वो म्यूजिक वीडियो भी 18 फरवरी को ही रिलीज होगा। तो कब ये सॉन्ग रिलीज हो रहा है, कहाँ हम ये सुन सकते हैं? ये सॉन्ग 18 फरवरी को रिलीज हो रहा है, सुनने के लिए तो आप इसे कहीं पे भी सुन सकते हैं, मेरे Spotify पे, Amazon Music, Apple Music, जहाँ पे भी आप अपनी म्यूजिक सुनते हैं, बट म्यूजिक वीडियो जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगा। आपकी YouTube चैनल का नाम भी सात्विक IX ही है? सात्विक IX, हर जगह सात्विक IX है, Spotify वगैरह हर जगह। ओके, सो सात्विक अपने इस नए सॉन्ग की कुछ दो लाइनें हमें सुनाना चाहेंगे?
Let's go. Wanna stay right here just a little more. Wanna be right here just a little more. Take me back 7 years ago. Cause I wanna stay right here just a little more. Wanna stay right here just a little more. ये सुनते ही बस दो शब्द निकले हैं मेरे मुंह से और वो हैं इट्स मैजिकल. बहुत ही अच्छा गाया आपने. सातवें, एक फ्यूचर गोल क्या है? अब सिंगर ही बनना है? देखिए, व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक, मेरा गोल तो बस सिंपल है. एंड गोल एक बिल्डिंग अ डिस्कोग्राफी, मतलब इतने अच्छे सॉन्ग्स, एम्पल नंबर ऑफ सॉन्ग्स में बना लूं जिसको देख करके मैं बस खुशी खुशी करूं कि यार लाइफ में जो कुछ रहा, मतलब मेहनत की, मजा आया, अच्छे 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 सॉन्ग्स एक आध बन गए, नाउ आई एम हैप्पी. सो म्यूजिक में मेरा यही गोल है, लर्निंग, ग्रोइंग एंड कीप क्रिएटिंग. तो जहाँ पर भी ये जर्नी मुझे लेके चली जाती है वहाँ पर मैं चला जाऊँगा. इवन राइट नाउ भी अगर मैं, वही बात है, सब कुछ मेरा छीन लिया जाए मुझसे, आई वुड बी टोटली सेटिस्फाइड विद माई एफर्ट्स. सर, क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन स्टूडेंट को जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं पर म्यूजिक, जैसे आपने कहा कि आपको बहुत खुशी मिलती है, म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है उनका और इस लाइन में जाना चाहते हैं, क्या एडवाइस उन्हें देना चाहेंगे? द बिगेस्ट एडवाइस मैं बोलूंगा कि परफेक्शनिज्म से भागो, जितना भाग सकते हो भागो. परफेक्शनिज्म मतलब खुद का ही सेल्फ डाउट कि जो मैं कर रहा हूँ बकवास है, इतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ. जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस एंड जस्ट गिव इट टाइम. जैसे आपने सॉन्ग भी लिखा है अपनी सैनिक स्कूल की लाइफ पे, लिटिल मोर, सैनिक स्कूल अब आपने छोड़ दिया है, क्या कहना चाहोगे अपने सैनिक स्कूल के फ्रेंड्स को या सैनिक स्कूल के अभी के स्टूडेंट्स को, एक मैसेज सैनिक स्कूल के लिए? सैनिक स्कूल, थैंक यू सो मच. ऑफकोर्स इस प्रोसेस में देर इज अ लॉट ऑफ नॉट गिविंग अप. तो वो जो नॉट गिविंग अप है वो मुझे सैनिक स्कूल ने ही सिखाई थी. और अपने फ्रेंड्स को ही मैं दिल से थैंक यू बोलूंगा, तुम्हारे लव एंड सपोर्ट ने ही मुझे आगे जाने के लिए हिम्मत दी और तुम ही वो रीजन हो जिसकी वजह से ये सॉन्ग अ लिटिल मोर बना है. दिस वन इज डेडिकेटेड टू यू ऑल. आपकी सैनिक स्कूल की बेस्ट मेमोरी कौन सी रही अभी तक? सैनिक स्कूल की हर मेमोरी ही बेस्ट मेमोरी है. जब तुम सैनिक स्कूल के बारे में बैठ करके सोचते हो ना, तो मैं एक पर्टिकुलर दो तीन मेमोरीज नहीं याद आती, तो मुझे तो एटलीस्ट अपना पूरे के पूरे 7 साल ही पूरे फ्लैशबैक में याद आते हैं. तो अब मोस्ट रिसेंट मेमोरीज जो बहुत एक्साइटिंग थे वो यही था, छुप छुप कर ही म्यूजिक वीडियो शूट करना और बनाना. आपने म्यूजिक वीडियो छुप छुप के शूट की है? हाँ जी. स्कूल वाले तो देखने वाले हैं. हाँ, अब क्या फर्क पड़ता है. बट वही ना, फोन्स वगैरह तो अलाउ नहीं किए होते हैं, बट कभी कभी रूल्स ब्रेक करने चाहिए इफ इट्स फॉर अ बेटर कॉज, अ बेटर एंड अ ग्रेटर कॉज. सात्विक, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके. और हम सबको यही बोलेंगे कि आपका नया सॉन्ग जो आ रहा है लिटिल मोर, उसे लिटिल मोर नहीं, उसे बहुत सारा प्यार दीजिए. थैंक यू सो मच. मेरे साथ है सात्विक के फादर पुनीत दत्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू जी. सात्विक से तो हमने बहुत बातें कर ली, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आप सात्विक के सॉन्ग पहले बताइए, सुनते हैं? जी बिल्कुल, मैं जरूर सुनता हूँ जी इसके सॉन्ग. कैसा महसूस होता है? मुझे बड़ा गर्व फील होता है. सात्विक ने जैसे कहा कि बहुत छोटी उम्र में उन्होंने जर्नी शुरू कर ली जो आज तक चल रही है और आगे बहुत ऊपर जाने वाली है, तो आपने भी ये जर्नी देखी है? बिल्कुल देखी है जी. कैसे सात्विक वो छोटे बच्चे से उन्होंने शुरू किया? मुझे बड़ा गर्व फील होता है, ये जब बहुत छोटा सा था जब तब से जब ये लिखना इसने स्टार्ट किया या अब ये कुछ गाना बनाकर मुझे भेजता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था. तो वो सॉन्ग मैं भी नहीं सुनता था बल्कि मेरे पूरे फैमिली वाले देखते थे, कि घर के जितने भी मेम्बर थे सबको बड़ा अच्छा फील होता था. तो धीरे धीरे इसका ये सफर चलता रहा, तो उस सफर के साथ हम भी इसके साथ चले, तो अब तो खैर ये काफ़ी कुछ आगे करने लगा है. तो ये इसके खुद की सारी मेहनत है, जो ये सॉन्ग लिखता भी है और उसका म्यूजिक भी खुद प्रोड्यूस करता है और ये गाता भी है, ये तीनों चीजें इसकी खुद की है. जो इनका नया सॉन्ग आने वाला है जिसके बारे में इन्होंने हमें बताया, लिटिल मोर, आपने वो सुना? हाँ जी, लिटिल मोर सॉन्ग जो इसने, इसका जो आने वाला है उसके लिए हम सारे बड़े एक्साइटेड हैं उस दिन के लिए कि जिस दिन ये सॉन्ग रिलीज होगा. इसने ये वो फीलिंग एक्सप्रेस की है, क्योंकि जो सैनिक स्कूल निगरोटा जो स्कूल है वो एक स्टेट लेवल का नहीं बल्कि एक कंट्री लेवल का एक ऐसा स्कूल है जिसने एक बड़े बड़े फौज के अफसर दिए हैं और बड़े बड़े लोग वहां से निकले हैं जिन पर आज भी हमारा देश नाज करता है. तो वो जो फीलिंग्स हैं कि जब वहाँ का बच्चा 12th में होता है, वो स्कूल को छोड़कर निकलने वाला होता है, तो वो क्या कैसी फीलिंग्स रहती हैं कि उसके लिए शायद ये लगता है कि लिटिल मोर में कुछ दिन और वहाँ पर रह लूँ. तो वो जो उस तरीके की जो फीलिंग्स हैं उसी फीलिंग को इसने एक्सप्रेस किया है. तो वो हर सैनिक जब भी देखेगा, हर सैनिक स्कूल का जो कोई स्टूडेंट है, चाहे वो अभी किसी
बड़े पद पर हैं या वो कुछ ओल्ड एज में आ चुके हैं या जो यंगर हैं या जो वहाँ पढ़ रहे हैं, तो सबके बीच में वो कॉमन तरह की फीलिंग्स हैं जो सब में कॉमन रहती हैं, तो वो नेचुरली वो बड़ा प्राउड फील करेंगे। मैं खुद सनी स्कूल गोटा का स्टूडेंट रहा हूँ, जब इसने मुझे ये सॉन्ग दिखाया तो यकीन करें आपके मुझे आंसू आ गए, क्योंकि वो फीलिंग मेरे में भी थी जो चीज इसने एक्सप्रेस की। तो नेचुरली हम सारे बड़े एक्साइटेड हैं इस चीज के लिए जब इसका वो सॉन्ग आएगा। बिल्कुल पुनीत जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे किसी और, हर वक्त आजकल हम देखते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ाई में ही आगे रहिए, पढ़ाई में आगे रहिए, उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, कला को कहीं अपना पैशन बनाना चाहते हैं? बिल्कुल जी, मेरा तो यही कहना है कि अगर बच्चे का किसी फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप उस इंटरेस्ट को मत दबाओ, उस इंटरेस्ट को आगे और उभारो, उसे पूरी सपोर्ट करो, क्योंकि वो चीज उसे काफी आगे लेकर जा सकती है। ये चीज उस वक्त नजर नहीं आती लेकिन धीरे धीरे उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, तो क्योंकि जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है तो नेचुरली उसमें वो बड़ा बेटर परफॉर्म करेगा, तो उसका इंटरेस्ट नहीं मारो। पढ़ाई भी बहुत जरूरी है बच्चों के जीवन में, उसके बिना तो कोई चारा नहीं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर अपनों को वो शौक, एक अच्छा शौक किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर लेकर जाता है तो पेरेंट्स को उसको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसा ही मैंने भी इसी के साथ किया है, इसकी जो जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको लेके तो मैंने पूरी कोशिश की है कि ये चीज रुके ना। हम यही चाहेंगे कि आप सभी सात्विक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और 18 फरवरी को आने वाले उनके नए सॉन्ग लिटिल मोर को बहुत सारा प्यार दें।